थाना अध्यक्ष कलीगंज, सीओ टांडा, एडिशनल एसपी अंबेडकर नगर सहित छापा मारने का काम किया। जैसे ऐसा लगता रहा कि वो बहुत बड़े मुलजिम हैं, जबकि वही भारतीय जनता पार्टी के गुंडे जो क्रिमिनल है, मोस्ट क्रिमिनल है। श्री कक्कू पांडे जी लगातार घूम रहे हैं, पुलिस ने उनको जो प्रदेश स्तर के हिस्ट्री सीटर हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने का काम नहीं किया। आशीष कुमार मिश्रा जी जो गोंडा के प्रमुख हैं, अपने मोबाइल से टांडा के तमाम लोगों को, विजय मणि यादव जी जो प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं बसकारी के, सुभाष यादव जो प्रधान हैं, इसके साथ साथ सुल्तान राजा सुल्तान पटेल जी जैसे तमाम लोगों को टेलीफोन करके धमकी देने का काम किया, जिसकी भी शिकायत हम लोगों ने प्रशासन से किया, ऑब्जर्वर से किया, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज भी मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि मुबारकपुर में भाजपा की फार्चुनर की एक गाड़ी पर कम से कम 10-20 लाठी हाकी सहित लोग लेकर निकले हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि मुबारकपुर और टांडा में भारतीय जनता पार्टी अशांति फैलाना चाहती। मेरा आप लोगों के माध्यम से प्रदेश अम्बेडकर नगर की लोकसभा की महान जनता को मैं बधाई देना चाहता हूं कि वो बिना डरे हुए 70-80% वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में कर रही है, जिसके लिए मैं उसका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, और विशेषकर अनुसूचित जाति के लोगों का कि तमाम प्रलोभन के बाद उन्होंने धन बल को नकार कर, शराब को नकार कर पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ खड़े रहे, उसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करते हुए, और मैं जिला प्रशासन से चाहूंगा कि वो इस बात को देखे कि किसी तरह से भी भाजपा के लोग इस तरह का कोई हरकत न करने पावे जिससे कानून व्यवस्था की धज्जी उड़े।